हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मंडे हैं और अभी शाम के 6 बज रहे हैं, 8 जुलाई हैं आज। सो मैंने बोला मेरा व्लॉग जो है स्टार्ट हो गया है, मैं कब कल अपलोड कर दूँगी। सो गाइस, मैंने आज बिल्कुल काजल नहीं लगाया आँखों में, थोड़ा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा और थोड़ा मूड भी ठीक नहीं है। एक्चुअली दीवी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसकी स्कूल की छुट्टी और कल भी पता नहीं उसको भेजूंगी, इसकी तबीयत पे डिपेंड करता है। एक्चुअली फीवर आ रहा है, फिर फीवर अप एंड डाउन हो रहा है उसको, तो पैरासीटामोल लिक्विड दी मैंने उसको, लेकिन अभी वो सो रहा है, आराम कर रहा है, कुछ खाया नहीं है उसने, हल्का फुल्का ही खाया है। ज़बरदस्ती मैं थोड़ा बहुत लाइटली खिला देती हूँ उसको, और वॉमिटिंग आई थी दिन में, बट अभी चांसेस हो रहा है, फीवर नहीं है, तो मैं भी थोड़ी सी डल हो रखी हूँ अभी तो इसीलिए। और यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन बहुत ही प्यारी हवा चल रही है, बारिश जैसा मौसम हो रहा है, लेकिन कल बारिश नहीं हुई थी, आज हुई थी। सो और अभी मैं बनाऊंगी चाय अपने लिए। ये जो पेंटिंग है इस वॉल पे, ये मैंने बनाई है, और आप सोच रहे होंगे कि मैं पेंटिंग भी करती हूँ, तो मेरे बहुत सारे शौक हैं, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया अभी, मतलब बहुत मूडी टाइप का हो गया है मेरा। कभी मन करता है तो चीज़ बनाने का तो बना लेती हूँ, मन नहीं होता है तो नहीं बनाती हूँ मैं। तो मुझे पेंटिंग का इतना ज़्यादा शौक था, मैं मुझे पता है कि मैं कॉपियों के पीछे टीचर पढ़ा रही है, मैं बुक्स में बना रही हूँ, कुछ भी बनाए जा रही हूँ, और ध्यान पूरा मेरा वहीं रहता था। तो ये चीज़ मेरी मम्मा को भी बताती, तो वो चाहती थी कि मैं ड्राइंग में ही कुछ करूँ, लेकिन मेरा एमए करने का तो बिल्कुल मन नहीं था, और टीचिंग में जाने का भी मेरा बिल्कुल मन नहीं था। मुझे लगता है कि मैं बड़ी क्लासेस को पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ, छोटे बच्चों के साथ आप स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते, तो मैं बहुत कूल रहती हूँ, तो इसीलिए मनमानी करते हैं। तो मुझे ड्राइंग पेंटिंग का शौक था, वैसे पता नहीं क्या ख्याल आया और मैंने एक रात में ही बना डाली, एक दिन में, और वो जो दूसरे रूम में जो मैंने पेंटिंग दिखाई वो अभी तक इनकम्प्लीट पड़ी, और वो इतनी मेज्ड अप बनाई है ना, मैंने उसको फिर से, मेरा ठीक करने का मूड हो ही नहीं रहा, उसे पूरा ठीक करना है, उसे फिर से एक अच्छा सा डिज़ाइन, अच्छा सा बैकग्राउंड कलर देना है, बट वो मूड हो ही नहीं रहा उसको, मतलब बहुत टाइम हो गया है। तो ये मेरे हालात हैं, तो मैं ऐसी हूँ मनमौजी, मूड हो गया तो एक दिन में कर दिया, नहीं हुआ तो लटका ही रहेगा बरसों तक, तो ये चीज़ें हैं। तो चलो मैं चाय बनाती हूँ, फिर मैं आप लोगों को कुछ अच्छी अच्छी बातें बताऊँगी, मतलब मेरे व्लॉग ऐसे नहीं होगा कि मैं कुछ भी बकवास कर दूँ, मैं चाहूँगी कि अगर मैं आप व्लॉग बनाऊँ तो कुछ सीखने को मिले आपको, कुछ नई इन्फॉर्मेशन दूँ लाकर, तो मेरा पर्पज़ यही होगा। और मेकअप की वीडियो भी नहीं बना रही, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे आजकल, आई डोंट नो, तो जो मेरा मन कर रहा है प्लीज़ झेल लेना आप लोग मुझे, आई नो आप लोग बहुत अच्छे हो सब, तो चलो चाय बनाते हैं। चुकी है मेरी। सो चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर बहुत से लोग हैं जो YouTube पे वीडियो बनाने में कंफर्टेबल नहीं होते, स्टिल उन लोगों को अर्निंग करनी है, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर आपको लिखने में इंटरेस्ट है और या फिर आपके पास अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों ने कोरा का नाम सुना होगा, तो अगर नहीं सुना किसी को तो मैं बता देती हूँ, कोरा एक प्लेटफॉर्म है, बहुत पुरानी तो नहीं लेकिन क्वाइट ओल्ड, तो उस पर आप जब आप गूगल पे कुछ सवाल सर्च करते हो तो एक कोरा रेड कलर का सिंबल है, क्यू से बना हुआ, ओपन हो जाता है, उसमें काफ़ी लिखते थे। तो पहले ऐसा होता था कि अगर आपको लिखना पसंद है तो आप लिखते थे, इंग्लिश में था कोरा, इंग्लिश में था, और उसके बाद मैं जब कोरा में नहीं लिखती थी जब वो इंग्लिश में था, क्योंकि मुझे पढ़ना ज़्यादा पसंद था और काफ़ी सारी मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिलती थी, कभी कभी लोगों के एक्सपीरियंस मिलते थे, कभी कभी कुछ चीज़ पता नहीं है तो किसी चीज़ के बारे में नॉलेज हो तो उसे मैं रीड करती थी बहुत ज़्यादा, पर मैं राइट नहीं करती। जब कोरा फिर हिंदी में आया, इस बात को आई थिंक 2 साल हो चुके हैं, तो कोरा जब हिंदी में लॉन्च हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई, तब मैंने कोरा, मेरा अकाउंट तो था ही, तब मुझे कोरा हिंदी का इन्विटेशन मिला था, तब मैंने हिंदी कोरा ज्वाइन किया था, और मैंने उस पर काफ़ी सारे आंसर्स लिखे थे, और मैं इतना
अच्छा कर रही थी, काफ़ी बढ़िया कर रही थी। मेरे कम से कम जब कोरा हिंदी स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट मेरे 55 से ज़्यादा मेरे आंसर्स थे, लेकिन ऑल ऑफ सडन कुछ चीज़ें ऐसी हुई तो मैंने अपना वो अकाउंट ही डिलीट कर दिया था। उसके बाद फिर से मैं आई, दोबारा से मैंने ज्वाइन किया। तो जब दोबारा ज्वाइन किया तो मैंने फिर 20-30 तो नहीं, आई थिंक 20 से 25 से लेके आंसर्स लिखे हैं। हिंदी ही मुझे पसंद है, कोरा हिंदी, क्योंकि अपनी जो जो भाषा जिसके साथ आप पैदा होते हो, उसको बड़े होते हो बोलते हुए, जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, उसके साथ आप इतने ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो, चाहे आपको आए चाहे आपको नहीं आए, लेकिन आप इतने ज़्यादा उसके साथ जुड़ जाते हो ना, तो सो मेरा हिंदी के साथ है। तो मैंने फिर से लिखना शुरू किया, तो उसमें एक नई चीज़ क्या आई है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अब उसने, यानी कि कोरा ने, कोरा पार्टनर प्रोग्राम शुरू किया है, यानी कि इसके तहत आप अर्निंग शुरू कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या है ये चीज़, क्या है ये वाला, तो मैं आपको बता देती हूँ। कोरा पर आप जब प्रोफाइल बनाते हैं, या आप चाहे राइटर हों चाहे आपको क्वेश्चंस पूछने हों, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको लोगों से सवाल पूछने हैं, आपको जवाब भी देने हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सवाल आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे सवाल पूछने, किस तरीके के पूछने, ये आप पे डिपेंड करता है। सिर्फ ये नहीं है कि अब हमें पैसे मिलेंगे प्रश्न पूछने के, तो हम कुछ भी पूछ लें। तो लेवल थोड़ा सा गिर गया है अभी कोरा का, क्योंकि हर कोई आना है जिसको लिखने में इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन लिखते तो बहुत कम लोग हैं, पूछने वाले ज़्यादा गए। मैंने अभी तक किसी से सवाल नहीं पूछा, मुझे जब जेन्युइन लगता था, मैं पहले पूछती थी, अभी भी मैं पूछना चाहती हूँ, लेकिन इतना प्लेटफॉर्म पर इतना, मतलब कचरा बोलूँगी मैं, आ चुका है इस चक्कर में, क्योंकि अर्निंग मिल हो रही है, तो एक प्रश्न पे काफ़ी अर्निंग हो जाती है एक एक पर्सन की, उसके जो यूज़र की है। तो ऐसा ही कुछ है हिंदी कोरा में, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से आपको नहीं कर सकते एक्टिवेट। आप जब इसमें आते हैं तो आपको कम से कम कितने सवाल पूछने होते हैं, सवाल पे डिपेंड करता है, तब आपको कोरा, आपको कोरा पार्टनर प्रोग्राम का इनविटेशन भेजेगा, उसी के बेस पे आपकी अर्निंग होगी। अगर आपको इनविटेशन नहीं मिला तो आप अर्न नहीं कर सकते हैं, तो ये बात है। तो आप कोरा पर जाकर, अगर आप वाकई में लिखना चाहते हैं, अगर आप वाकई में पैशनेट हैं लोगों के सवाल पढ़ने में, जवाब पढ़ने में, तो आप जाइए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ दिमाग में ये लेकर जाएं कि नहीं सिर्फ सवाल पूछने हैं और कुछ भी पूछना है, तो सॉरी टू से मैं आपको बता दूंगी, लोग जवाब भी नहीं देंगे, ऊपर से आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे आपको रेड फ्लैग्स मिल सकते हैं। तो सिर्फ अगर आप एक रीडर हैं, आपको लिखना अच्छा लगता है, तो ही मैं कहूँगी। और एक बार अगर आपको कोरा पार्टनर प्रोग्राम का इनविटेशन मिलता है, तो आपकी बहुत ही अच्छी अर्निंग हो सकती है इसमें। तो ये चीज़ मुझे पता थी, तो मैं सोच रही थी काफ़ी टाइम से कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ये वाली बात। कोरा ने जो राइटर्स, उनके लिए एक वेलकम, एक कह लीजिए एक अप्रिसिएशन है काइंड ऑफ, तो ये भेजा है। लेकिन इसकी वजह से मैं जब शुरू में थी हिंदी पे, तब इतना नहीं था, अभी पता नहीं, मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं क्वेश्चंस की, बहुत उमल उमल मैं नहीं देती, जिसका मुझे सही लगता है वही उसका, उन्हीं का मैं जवाब देती हूँ। तो ये सब चीज़ें थी, तो सोचा मैं आप लोगों को बता दूँ इस बारे में भी, है ना। तो जिनको व्लॉग बनाने में प्रॉब्लम है, या जिनको एडिटिंग ये सब सब एक चक्कर लगता है, तो वो सब लोग कोरा को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एज अ जेन्युइन राइटर और जेन्युइन क्वेश्चन। तो आप अगर आप क्वेश्चन पूछोगे, तो आपको कुछ सवाल लोगों के अनुरोध आपको भी आएंगे, तो आपको जवाब देने पड़ेंगे। ये थी एक बात कि आप इसे अर्न कर सकते हैं। तो चलिए, सो गाइस, यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ राजमा, और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लिया है, अच्छे से उसे गर्म करूँगी। गर्म होने तक मैं थोड़ा इंतज़ार करूँगी। तो सबका अलग अलग तरीका हो सकता है राजमा बनाने का, तो ये मेरा तरीका है, हो सकता है आपका अलग हो। तो मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ, वो वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने गार्लिक को स्मैश कर लिया है। गार्लिक को चाहे तो आप कट करके भी डाल सकते हैं, स्मैश करके भी डाल सकते हैं, दोनों का ही स्वाद अलग अलग आता है। तो मुझे यहाँ पर स्मैश करके ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर अच्छे से भूनूंगी मैं इनको, ब्राउन हो गए हैं बिल्कुल ये। इसके बाद मैं डालूंगी इसमें बड़ी इलायची, बड़ी इलायची को मैंने कूट लिया है, और एक बड़ी इलायची मैंने यहाँ डाली। इसका स्वाद भी एक अलग सा ही अरोमा है इसका, तो ये सब ज़रूर डालते हैं। तो उसके बाद मैंने इसमें डाला है ग्राइंड किया हुआ अनियन। अनियन थोड़ा सा ग्रीन इसलिए दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ को भी मिक्स कर दिया था, और थोड़ा सा मैंने इसमें जिंजर भी ऐड किया था, तो इसीलिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज है। तो मैं यहाँ पर अच्छे से इसको भूनने के लिए छोड़ दूंगी, बीच बीच में चलाते रहूंगी कि कहीं ये जले ना, और
गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसे अच्छे से फ्राई करूँगी, उसके बाद इसमें कुछ टमाटर ऐड करूँगी, उसके बाद मसाले। तो मेक श्योर कि जो मसाला है कच्चा नहीं रहना चाहिए, तो जो प्याज का जो कच्चापन है वो नहीं रहे, और इसमें जो अदरक और ग्रीन चिलीज़ हैं वो भी अच्छे से पक जाएँ। तो यहाँ पर मैंने लगातार चला रही हूँ, देख रहे हैं आप, जैसे कि तो ताकि ये लगे ना और जले ना, तो इसलिए बीच में मैं इसे चलाती जा रही हूँ। और ये इसने थोड़ा थोड़ा ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए पकने दूँगी, पर ध्यान रखूँगी कि ये कहीं जले ना, लगे ना। तो ये ऑयल स्प्रेड हो रहा, अलग अलग से तेल छोड़ना शुरू हो गया है। 3 से 4 मिनट तक मैं इसे पकने दूँगी ताकि मसाला जो है हमारा कच्चा ना रहे। उसके बाद फिर से मैंने इसको चलाना शुरू कर दिया, और ये दिख रहा है अभी थोड़ा थोड़ा सा पकने लगा है। नाउ मैं इसमें टमाटर प्यूरी ऐड करूँगी, इसको भी मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, तो अच्छे से पकना चाहिए। तो इसे मैं ढक कर रख दिया है कुछ देर के लिए ताकि अच्छे से पक जाए बिल्कुल, और फिर उसके बाद इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। ये यहाँ पर मैंने इसकी लिड हटा दी है, और देखा है तो थोड़े थोड़े पक चुके हैं, टमाटर भी पक चुका है। इसमें मैंने ग्रीन चिली ऐड की है कश्मीरी, और पिसा हरा धनिया ऐड किया है, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला है, और थोड़ा सा नमक भी मैं इसमें डाल दूँगी, और इन्हें अच्छे से और पकाऊँगी ताकि जो टमाटर का जो कच्चापन है और जो मसाले हैं वो अच्छे से बिल्कुल पक जाए। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा राजमा मसाला भी ऐड किया है, तो उसमें थोड़ा सा ही था, तो जितना था वो मैंने सब डाल दिया इसके अंदर। आप चाहें तो जो घर के मसाले हैं उससे भी आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मैंने राजमा मसाला एक्स्ट्रा थोड़ा टेस्ट के लिए, थोड़ा सा मुझे स्पाइसी पसंद है इसलिए मैंने ऐड किया है, तो इसीलिए ताकि थोड़ा और स्पाइसी बने। अगर आप स्पाइसी नहीं खाते तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ही पका नहीं है मसाला, तो मैं इसे चला रही हूँ यहाँ पर, और थोड़ी देर तक चलाती रहूँगी, और इसे ढक कर रख दूँगी। कम से कम 6 से 7 मिनट तक इसे पकाना है मुझे। अब ये इतना सारा है ताकि छोटा थोड़ा कम हो जाएगा, इसे अच्छे से पकने के बाद ये बिल्कुल कम हो जाएगा और कढ़ाई छोड़ देगा, और इसमें जो तेल है वो ऊपर दिखने लगेगा आपको। तो ये देखिए इस तरीके से दिख रहा है, ये अच्छे से पक गया है एकदम, कलर इसका बहुत बढ़िया सा आ गया है। इसे थोड़ी देर और चलाऊँगी मैं, थोड़ा सा और भूनूँगी, उसके बाद मैं इसमें राजमा ऐड कर दूंगी। तो ये मैंने इसमें राजमा ऐड कर दिए थे, और ये पूरी कढ़ाई फुल दिख रही है, हालांकि बहुत कम थे, तो मैंने इसमें थोड़ी ग्रेवी भी ऐड की है, पानी डाला है। अब इसे मैं ढककर पकने रख दूंगी, और फिर थोड़ी देर खुला, थोड़ी देर के लिए खुला भी छोड़ूंगी। तो ऐसे ये पूरे बिल्कुल बनकर तैयार है। नाउ मैं थोड़ी पूड़ी भी बनाऊंगी इसके साथ ही, क्योंकि मुझे राजमा के साथ चावल तो पसंद है ही, और साथ में पूड़ी भी पसंद है हम लोगों को, दीवी को बहुत पसंद है। तो यहाँ मैंने पूड़ी बनाई है, और मैं राइस भी बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं पूड़ी बना रही हूँ, मुझे भी पूड़ी बहुत पसंद है, और राजमा के साथ पूड़ी अच्छी लगती है, और राइस भी अच्छे लगते हैं, या फिर पराठे भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ बस पूड़ियाँ बन रही हैं मेरी। सो गाइज़, ये व्लॉग जो है आज का मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आज मैंने आपको दिखाया, मैंने जो इवनिंग जो डिनर है वो शेयर किया आपके साथ, और थोड़ी सी कुछ बातें की। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पूड़ियाँ बन गई हैं, और आप इन्जॉय करिए व्लॉग को। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। Feel good!